खबर देवरिया जनपद से है, जहां सरयू गोरा नदियों सहित अन्य घाटों पर श्रद्धालुओं ने छठ पर्व उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया। इसी क्रम में शहर के परमार्थी लक्ष्मी राम व हनुमान मंदिर पोखरा पर व्रती महिलाओं ने अस्तलगामी सूर्य को अर्घ्य देकर अपनी संतान की कुशलता के लिए प्रार्थना की। हनुमान मंदिर पोखरा पर शाम होते ही श्रद्धालुओं और व्रती महिलाओं का जन सैलाब उमड़ पड़ा। नगर पालिका परिषद के अलावा जिला प्रशासन सुरक्षा व्यवस्था को लेकर मुस्तैद रहा। इस दौरान सदर विधायक सलाप मड़ी, जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह, पुलिस अधीक्षक संकल्प शर्मा, नगर पालिका अध्यक्ष अलका सिंह ने व्रती महिलाओं सहित उपस्थित श्रद्धालुओं को छठ पर्व की शुभकामनाएं दी और मंगल कामना की। देवरिया से त्रिभुवन कुमार त्रिपाठी की रिपोर्ट। पुलिस अधीक्षक किए गए हैं, इससे आपको यदि सुविधा हुई है तो उससे हमें हर्ष है। और मैं ये प्रार्थना करता हूँ जनपद की कुशलता के लिए आप लोग के माध्यम से कि आप सभी और हमारे सभी निवासी स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और इसी त्योहारों को इसी प्रकार कुशलता और खुशहालपूर्वक मना सकें। धन्यवाद। चाह के रखें, आप भी अगर दीपक या अगरबत्ती जला रहे हैं तो दूसरे लोगों की सुविधा असुविधा का विशेष ध्यान रखें। अगर लोग अपने सर पे डलगी लेके आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो उन्हें जरूर मार्ग दें ताकि वो आसानी से